हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो अभी आपको बताइए कि अभी आपका पिछले वीक कौन सा रिवीजन टॉपिक खत्म हुआ था? हमने क्या पढ़ा था? रीडर के दो चैप्टर्स। आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया हो। आई नो आपने किया होगा। यू आर वेरी गुड किड्स एंड आई एम हैप्पी आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोज़ टाइम पर नहीं देख रहे हैं एंड प्लस उनका वर्क जो है मुझे टाइम बेसिस पर नहीं आता है। सो प्लीज़ इट्स अ रिमार्क कि अच्छे से पढ़ाई करनी है अगर इफ़ यू वॉन्ट कि आपका अगला टॉपिक समझ में आए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिछला टॉपिक अच्छे से रिवाइज़ करो, राइट? जो भी आपने वीडियोस नहीं देखे हैं और जो भी आपने टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किया है, आप उसको रिवाइज़ करके पढ़ो, ओके? सो अब हम बात करते हैं इस वीक के टॉपिक की, ओके? तो अभी मैं आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे कि अब हम किसी के बारे में बात करते हैं, लेट्स से हम बात कर रहे हैं रिया के बारे में, ठीक है? रिया इज़ रनिंग, रिया फेल डाउन, रिया गॉट हर्ट, रिया स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है? ये पूरा एक सेंटेंस है ना, मतलब देयर आर मल्टीपल सेंटेंस बट ये पूरा किसके बारे में बात हो रही है? रिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है? कि रिया जा रही थी, रिया गिर गई, रिया को चोट लगी एंड रिया स्टार्टेड क्राइम। बट नाउ आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा इस सेंटेंस में? यस, जो रिया है वो हम कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं। ऐसे अगर हम रिया के बारे में कोई कॉम्प्रिहेंशन लिखें या उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करें तो इसका मतलब हम रिया का नाम कंटिन्यूसली रिपीट करते रहेंगे? नो। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो नाउन होता है, नाउन का नेम होता है, उसका रिप्लेसमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज आपका टॉपिक है प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? जैसे आपको पता चल ही रहा होगा कि ये किसके बारे में बात करेगा, नाउन के बारे में। तो नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, राइट? तो जब भी किसी के नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, एज ए हमने अभी क्या बात किया, बात कर रहे हैं किसी भी पर्सन के नेम के बारे में, जो भी उसकी जगह यूज होगा ना वो होगा प्रोनाउन, ठीक है? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ जाओगे प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था, नाउन का नेम ही यूज किया है, राइट? अब हम इसको चेंज करेंगे प्रोनाउन फॉर्म में। तो कैसे बदलता है आपने? फर्स्ट लाइन तो एज इट इज आएगी, क्योंकि हम पहली बार अगर किसी इंसान के बारे में बात करेंगे तो हमें उसका नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट? रिया वॉज रनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ से आपका प्रोनाउन आता है। अब रिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं? शी लिख सकते हैं, आएगा शी फेल डाउन, शी गॉट हर्ट, शी स्टार्टेड क्राइम। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? जब भी हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जिसमें एक ही इंसान के बारे में कंटिन्यूअसली बात हो रही है, राइट? तो हम हमेशा उसका नेम स्पेसिफाई करने की जगह उसका सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह जो यूज होगा वो वर्ड हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। समझ में आया? प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जो हम नाउंस की जगह यूज करते हैं। तो ये तो एक इंसान के बारे में, तो वेदर इट्स एन एनिमल, जैसे मैं किसी डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, डॉग वॉज रनिंग, डॉग वॉज बार्किंग, राइट? सो डॉग वॉज रनिंग, नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा इट वॉज बार्किंग। डॉग जो है न्यूट्रल जेंडर होता है, एनिमल्स के लिए न्यूट्रल जेंडर होता है, इट यूज़ करते हैं, ही यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो इट स्टार्टेड बार्किंग। सिमिलरली आप किसी भी चीज़ के बारे में, थिंग के बारे में बात करते हैं, दिस, ओके? माई पेन गॉट लॉस्ट, माई पेन वॉज इन द कबर्ड। तो क्या बोलोगे? माई पेन गॉट लॉस्ट, इट वॉज इन द कबर्ड, राइट? जब भी हम नाउन की जगह कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी जगह किसी और वर्ड में यूज़ करते हैं, हम उसे प्रोनाउन कहते हैं, राइट? मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, सो आपको इजी हो जाएगा समझने में।
down. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हर वो वर्ड होता है जो रिप्लेस करता है नाउन, राइट? मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में नोट करो, ओके? दिस इज जानवी इज अ सेंटेंसेस में मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज प्रोनाउन। सो जानवी इज अ लिटिल गर्ल, जानवी लाइक्स टू प्ले विद रैबिट। अब इसको अगर हम प्रोनाउन फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा? जानवी इज अ लिटिल गर्ल, ये तो एज इट इज आएगा। उसके बाद क्या आएगा? शी लाइक्स टू प्ले विद रैबिट। देखें क्या है, जैसे अक्षय बात कर रहा है अपने बारे में, तो क्या बोल रहा है? अक्षय हेल्प मी इन स्टडीज, तो मी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। और वरुण क्या बोल रहा है? ओके आई विल हेल्प यू, उसने ये नहीं बोला ना आई विल हेल्प अक्षय, राइट? जो भी वर्ड आई मी यू ऐसे होंगे, ये सब क्या होंगे? प्रोनाउंस, ठीक है? जैसे अब एक और मैं आपको समझाती हूँ, जब हम ये तो सिंगल लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जब दो लोग अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, प्लूरल फॉर्म आ जाता है, तब कैसे होते हैं? जैसे आदि और जॉन है, अंजलि ने क्या रिप्लाई दिया? यस आई विल कम विद यू, सॉरी। सो ये था सेंटेंस। अब इसमें पता लगाएंगे हम कि प्रोनाउन जो है वो कौन सा है, राइट? जैसे अब आदि और जॉन क्या है? दिस नॉट ए सिंगल पर्सन, ये दो लोग बात कर रहे हैं। तो जनरली जब दो लोग के बारे में बात करते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो मैं कैसे कैसे बोलूँगी? जैसे आदि और, जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आदि और जॉन है हम दोनों, कि हम पार्टी में जा रहे हैं, हम बोलेंगे ना मैं और जॉन पार्टी में जा रहे हैं, मैं और जॉन ये कर रहे हैं, मैं और जॉन वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ना, राइट? आप इनिशियली बताओगे मैं और जॉन पार्टी में गए, फिर आगे आप कैसे बताओगे हमने ये खाया, हमने वो किया, हमने, राइट? सिमिलरली सेंटेंस में आदि और जॉन प्लूरल थे और इन्होंने क्या क्या किया वो बताएंगे। वी हम पार्टी में गए,
सॉरी लाइब्रेरी में गए जा रहे हैं और वो क्या पूछ रहे हैं, विल यू, क्या तुम हमारे साथ, विद अस। तो ये तीनों जो है इसमें प्रोनाउन, यहाँ पे वी मतलब हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे, क्या तुम हमारे साथ आओगे, हमारे, राइट। सो ये तीनों इसमें प्रोनाउंस होते हैं। अंजलि का रिप्लाई क्या था, बिकॉज वो सिंगुलर है, यस आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा अब तक प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है जब भी आप किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए वर्ड यूज करते हो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, राइट। तो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ सिंपल जो वर्ड्स यूज होते हैं एज प्रोनाउन्स, आप नोट कर लो, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जेंडर सॉरी मेल के बारे में बात होगी तो हिम आएगा और फीमेल के बारे में बात होगी तो शी और हर आएगा। इट कब कब यूज होता है, इट इज इम्पॉर्टेंट, ये होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, मतलब चीज़ों के लिए यूज होता है और एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स और फीमेल सॉरी मेल और फीमेल जेंडर में डिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं। प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा इट यूज होता है फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दे वो लोग देम उन्होंने, राइट। सो ये है आपको प्रोनाउन का चैप्टर। सो आपकी एक्सरसाइज जो है आपको ये टॉपिक रिवाइज एंड रिवाइज मोड में पढ़ के फिर स्टार्ट करनी है, ओके। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मीटिंग में हम जब मिलेंगे हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।